नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स और इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का है। तो आइए समझते हैं क्या है ये एल्गोरिदम और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, कैन बी डिवाइडेड इंटू बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। ये जो एक पॉजिटिव इंटीजर ए है वो डिवाइड हो सकता है किसी भी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर। ये रिमाइंडर आर मतलब लीव करता है एंड विच इज स्मॉलर देन बी, जो कि बी से स्मॉलर है। ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं। जैसे हमारा एक नंबर है ए है 8, ठीक है, और बी जो है जिससे डिवाइड हो रहा है, जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है वो है 3। तब 8 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एनी पॉजिटिव इंटीजर 8 जो कि ए है इज कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर 3, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 3 इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर। सपोज 3 2 6, 3 3 9, तो 3 2 6, यहाँ क्या बच गया? 2। तो इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 2। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 2, विच इज स्मॉलर देन बी। बी क्या था? 3। ये 2 जो है स्मॉलर है, रिमाइंडर जो है ये आर है विच इज स्मॉलर देन बी जो कि 3 है। बेसिकली यही जो आप इतने सालों से डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं वही है, बट ये एल्गोरिदम है और इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कुछ और चीज़ के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कंप्यूट करने में हमें ये मदद करेगा और इसके लिए एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। तो एल्गोरिदम क्या है बच्चों? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिससे हम कुछ अचीव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। लेमा क्या होता है? लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ये जो है ना प्रूवन है। ये स्टेटमेंट जब यूज़ की जाती है कुछ और एक स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए तो उसे लेमा कहते हैं, ठीक है। तो लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। चलिए एक प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम देखते हैं। अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग ए रोड सेलिंग एग्स। तो एक व्यापारी जो था वो रास्ते में चल रहा था, वो अंडे बेच रहा था। एंड आइडलर, आइडलर मतलब ऐसे ही जो जिसको कि काम ना हो, खाली बैठा हुआ बंदा, आइडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू, जिसका कोई काम नहीं था, स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डी ड्यूअल। तो वो उससे बहस में लग गया इस ट्रेडर के, व्यापारी के साथ। दिस ग्रू इनटू ए फाइट, और ये एक फाइट में बदल गई। ही पुल द बास्केट विद एग्स एंड डैश्ड इट ऑन द फ्लोर। जो ये आइडलर था इसने क्या किया, ट्रेडर की जो व्यापारी की बास्केट ले ली और उसको फ्लोर पे ज़मीन पे फेंक दिया। और इस बास्केट में क्या थे? अंडे थे। द एग्स ब्रोक, जो अंडे थे वो टूट गए। द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत। अब पंचायत बैठी कि क्या भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हुई। तो उसने ट्रेडर ने, जो व्यापारी है, उसने पंचायत को बोला कि आइडलर को आप आइडलर को बोलो, उसको बोलो कि ये एग्स के लिए पे करें। बट पंचायत पे इन सेंस पैसे दे। पंचायत आस्क द ट्रेडर, पंचायत ने व्यापारी से पूछा कितने अंडे टूट गए थे, हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन। ही गेव द फॉलोइंग रेस्पॉन्स। अब उसने किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया, ये इंटरेस्टिंग है। उसने बोला इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। अगर मैं अपने जो अंडे टूट गए उनको मैं पेयर्स में काउंट करूँगा। पेयर्स क्या होते हैं? मतलब दो दो में गिनूंगा, दो दो के पेयर में, तो एक अंडा रह जाएगा। इफ काउंटेड इन थ्रीज टू विल रिमेन। अगर मैं तीन में गिनूंगा तो तीन के पेयर्स में गिनूंगा तो दो रह जाएंगे। इफ़ काउंटेड इन फोर थ्री विल रिमेन। अगर मैं चार चार के हिस्से में गिनूंगा कि चार का एक चार अंडों का एक पेयर मान लूँ, मतलब तो इसको मैं एक मान लूँ, अगर मैं इस तरीके से गिनूँ तो कितने रह जाएंगे? तीन रह जाएंगे। अगर मैं पाँच में गिनूँ, इफ़ काउंटेड इन फाइव, मतलब एक दो तीन चार पाँच, मैं ऐसे पाँच अंडों का एक बनाऊं कि पाँच 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 इस तरीके से, तो इनमें अगर मैं गिनूं तो कितने बच जाएंगे? चार बच जाएंगे। इफ़ काउंटेड इन सिक्स, अगर छः के भाग में मैं गिनूं तो फाइव विल रिमेन, पाँच रह जाएंगे। इफ़ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल रिमेन। अगर मैं सात के इसमें गिनूं कुछ नहीं बचेगा।
माई बास्केट के नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, तो मेरी जो बास्केट है उसमें 150 से अंडे से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इसने कहा, बच्चों ये आपको समझ में आया, जैसे आप अंडे मान लो एक, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 10 अंडे हैं मान लो, तो अगर वो दो दो के हिस्से में गिनता है, जैसे उसने दो दो का ये बना दिया, वो बोल रहा है इफ काउंटेड इन टूज, तो टूज के हिस्से में बांट दिया तो हो गया 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से वो गिनेगा, दो दो का को एक गिनेगा। इफ काउंटेड इन थ्रीज तो क्या गिनेगा, किस तरीके से गिनेगा, वो गिनेगा एक, ठीक है, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, इस तरीके से वो चार चार गिनेगा, तो इस तरीके से वो बोलता है। तो जो अब इसने ये स्टेटमेंट्स हैं हम उनको लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि इफ काउंटेड इन टूज तो कितने बचेंगे, इफ काउंटेड इन टूज 1 विल रिमेन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो डिवीजन की फॉर्मूला वो होती है a इज इक्वल टू 7p + 0। आप बोलोगे कैसे, जो हमने अभी भी देखा, सपोज 8 और 3 का 8 a है और 3 जो है अपना है वो b है, यहाँ पे ये b बेसिकली फॉर्मूला है 8 इज इक्वल टू bp + 0, तो 8 इज इक्वल टू 3 into p + 0, ठीक है, यहाँ पे है, नहीं ये गलत है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ, बेसिकली फार्मूला क्या है कि मान लीजिए 8 है और 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है ना, 2 4 8 हो जाता है, तो 2 into 4 = 8, रिमाइंडर कुछ बचा, नहीं बचा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, मैंने a इज इक्वल टू 7p + 0 क्यों लिखा, क्योंकि वो बोल रहा है कि इफ़ काउंटेड इन सेवन्स, अगर वो सेवन्स में गिनेगा तो नथिंग विल रिमेन, तो कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो इस तरीके से मैंने ये फार्मूला बनाया, बट एक्चुअली फार्मूला यही है, a इज इक्वल टू bp + 0, अगर जब वो पूरी तरह डिवाइड होता है किसी नंबर से, ठीक है, a को अगर हम b से डिवाइड करें तो ये होता है मल्टीप्लायर और ये होता है रिमाइंडर, ये फार्मूला है बेसिकली, सिंपल सा फार्मूला है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा अगर 2 into 4 = 8 + 0 रिमाइंडर ये है। और वैसे हमारा क्या हो जाता है, 8 = 3 into 2 + 2, 3 2 = 6 + 2 जो हमने किया, ये है ना, 8 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 = 8, 3 2 = 6, यहाँ 2 बच गया, तो 2 यहाँ चला गया और ये वाला ये है और 3 यहाँ है और ये 8, ठीक है। तो इसने जो फॉर्मूला बनाई वो कैसे है, a इज इक्वल टू 7p + 0, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड होता है जब 7 करते हैं, a इज इक्वल, अब 2 से जब ये बोलता है a इज इक्वल टू 2p + 1, है ना, क्योंकि एक बचता अगर वो दो में गिनता है, a इज इक्वल टू 3p + 2, तो दो बचते हैं अगर वो 3 करता है, a इज इक्वल टू 4p + 3, अगर वो 4 के हिस्सों में गिनता है तो 3 बचते हैं, a इज इक्वल टू 5p + 4, a इज इक्वल टू 6p + 5, इस तरीके से। तो बेसिकली हमारा r क्या है यहाँ पे, अगर यूक्लिड्स फार्मूला देखें, r ये हैं 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिमाइंडर ये है यहाँ पे, 0 इसलिए क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। और a तो हमारा यही है जिसको डिवाइड करना है, और b क्या है, ये 7 2 3 4 5 6 हमारे b हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ बच्चों ये याद रखना है हमें कि ये जो p है ये सब मतलब एक ही नहीं है p, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना, क्योंकि जो 7 का मल्टीप्लाई होगा वो डिफरेंट होगा इस नंबर के लिए, जो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा वो डिफरेंट होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई डिफरेंट होगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो मैंने एक जनरल p लिख दिया है यहाँ पे, हम इसको P1 कह सकते हैं, P2 कह सकते हैं, P3, P4, P5, P6, यहाँ सिंपली P की जगह कुछ और यूज़ कर दो, यहाँ पे X यूज़ कर दो, यहाँ पे Y यूज़ कर दो, यहाँ पे Z यूज़ कर दो, कुछ भी यूज़ कर दो, बेसिकली मल्टीपल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट नंबर है, इसलिए नंबर डिफरेंट होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, अगर हमें 7 से इसको डिवाइड करना है तो हमें 7 के सारे ये देखने पड़ेंगे, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, जैसे 7
ट्वेल्व कितना होता है, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन वन ज़ा सेवेंटी फोर, सेवन इंटू फिफ्टीन कर देते हैं, सेवन इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू सेवन फाइव थर्टी फाइव, सेवन वन ज़ा सेवन एट एटी फाइव है ना। तो ये काम होगा, सेवन इंटू एटीन करो ज़रा, सेवन इंटू एटीन सेवन एट ज़ा फिफ्टी सिक्स, फाइव सेवन वन ज़ा सेवन और वन ट्वेंटी सिक्स, सेवनटीन करो सेवन इंटू सेवन, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, फोर सेवन वन ज़ा सेवन और फोर इलेवन, वन हंड्रेड नाइनटीन। ज़रा वन हंड्रेड नाइनटीन को हम टेस्ट करें, वन हंड्रेड नाइनटीन को तो सेवन ये फॉर्मूला में ठीक हो रही है, अब टू से करें, वन हंड्रेड नाइनटीन इज इक्वल टू टू इंटू जो भी है मान लो W है प्लस वन रहना चाहिए, तो वन नाइनटीन को जो डिवाइड करो, वन वन नाइन को टू से, टू फाइव ज़ा टेन, नाइनटीन टू नाइन ज़ा एटीन, नाइन ज़ा एटीन तो वन रहेगा, ये करेक्ट है। अब थ्री से ज़रा करो, वन हंड्रेड नाइनटीन थ्री, थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री थ्री ज़ा नाइन ये टू हो गया ट्वेंटी नाइन, थ्री सेवन ज़ा थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन तो टू रह गया। तो ठीक है, वो फार्मूला भी हमारी सही रहेगा कि थ्री पे जब करेंगे तो टू बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से वन हंड्रेड नाइनटीन इज़ द करेक्ट आंसर। तो वन हंड्रेड नाइनटीन एग्स थे उसके पास। कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे 17 बाई सिक्स। अब इसको हम इस रिलेशन के हिसाब से कैसे लिखें, जैसे हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू सिक्स इंटू टू प्लस फाइव, सिंपली वही इक्वेशन जो है रिलेशन के हिसाब से, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व हो जाता है, प्लस फाइव हो गया 17 है ना। तो मतलब अगर 17 को हमने सिक्स से डिवाइड कर लिया तो टू ऊपर आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, फाइव बचेगा रिमाइंडर, सिंपल है। अब ऐसे एक और पेयर है फाइव और ट्वेल्व, तो फाइव इक्वल टू ट्वेल्व इंटू ज़ीरो प्लस फाइव, ठीक है, क्योंकि हम पहला जो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो यहाँ पे क्योंकि ये फाइव छोटा है इससे ट्वेल्व से, तो हमने ज़ीरो कर लिया। तो ये जो नंबर है मल्टीपल ये ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लेंगे ट्वेंटी और फोर, तो ट्वेंटी इज्कल टू फोर, फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी प्लस ज़ीरो, ये पूरा परफेक्टली ये हो जाता है। तो बेसिकली फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए या ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे हमने इस केस में देखा आर ये है, और ये छोटा होना चाहिए बी से, बी से आर छोटा होना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर है ये छोटा रहना चाहिए बी से, तब ये फार्मूला जो ये इक्लिप्स डिवीजन है एल्गोरिथम, तब ये सही रहती है, ठीक है। अब ये जो इल्यूट्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर यूज़ करने के लिए, निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है 455 और 42, तो जो बड़ा वाला है उसको हम यहाँ रखेंगे, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू किससे हो जाएगा, 4 टेन्स 42 टेन्स 420 प्लस कितना बचेगा 35, ठीक है। मैंने सिंपली डिवाइड किया और इस तरीके से फार्मूला में लिख दिया। अब ये जो 42 है, अब हम किस नंबर को लिखेंगे, 42 और 35 को। अब हम इन दो मतलब ये कैसे यूज़ कर रहे हैं हम एच सी एफ निकालने के लिए ये फार्मूला, जब हमने एक बार इन नंबर्स को कर लिया फिर हम कौन सा नंबर लेंगे, ये और रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो बी था और रिमाइंडर आर, बी और आर को फिर से ले लिया, तो 42 इज इक्वल टू 35 इंटू वन प्लस सेवन, ठीक है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। अब बी कौन सा है, बी ये है 35 और आर कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है 7, तो हमने 35 और 7 को ले लिया, तो 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस ज़ीरो, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, 7 455 को भी डिवाइड करेगा और 7 42 को भी डिवाइड करेगा,
455 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 ज़ 42, 3 नीचे आएगा 35, 7 5 ज़ 35। तो ये इसको भी डिवाइड करता है पूरी तरीके से और 42 को करता ही है, 7 6 ज़ 42। इसलिए 7 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमने क्या किया, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बड़े वाले को यहाँ रखा और छोटे वाले से हमने इस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये रिमाइंडर बचा इनटू मल्टीपल और ये जिसे डिवाइड करें डिवाइजर इसको बोलते हैं। और फिर जो जो बी है और आर हमने उसमें से ले लिया और फिर उनको किया, फिर ये जो इसमें से बी और आर है उनको लिया जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो ये है बेसिकली एच सी एफ निकालने का तरीका थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेसिकली टू ऑब्टेन एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि से सी एंड डी है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी और डी का एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालने अगर है जिसमें सी इज ग्रेटर देन डी जो कि दोनों से एक बड़ा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो बड़ा है हमारे पास, तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, सी और डी का हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो वो कैसे करेंगे, सी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये आर है, जहाँ पे आर क्या होगा वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो और लेस देन किसके लेस हो, डी से लेस हो, डी से लेस होना चाहिए, ठीक है, तो डी से लेस होना चाहिए आर। अगर इस केस में जो हमारा आर है आर ज़ीरो आ जाता है, अगर मान लो इस केस में आर ज़ीरो आ जाता है तो जो डी है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उस नंबर के लिए। अगर आर ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डी और आर को फिर से अप्लाई कर देंगे डिवीजन लेमा। डी और आर के लिए क्या कर देंगे, फिर से अप्लाई डिवीजन लेमा। सो हम कर देंगे डी इज इक्वल टू आर जो यहाँ से निकला क्यू टू आर वन कर दो, ठीक है, ये प्लस आर टू, ठीक है। हम तब तक ये करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए और जो लास्ट है, लास्ट डिवाइज़र है जिसके यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। जैसे इस केस में लास्ट डिवाइज़र क्या बचा था, जहाँ पे ज़ीरो आ गए थे रिमाइंडर, सेवन, इसलिए सेवन ही एच सी एफ बन गया था, ठीक है। हम तब तक इसको हमने अप्लाई किया डिवीजन लेमा जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ गए। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है 4052 और 12576, इनका हमें निकालना है एच सी एफ, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा है ये 12576, ठीक है। तो हम बड़े नंबर को 12576 को यहाँ रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे एमीज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे इनटू, ये हो जाएगा 3 + 420, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 420 आता है और ये 3 रह जाता है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ज़ीरो आया नहीं, अब हमें कौन से दो नंबर चाहिए, ये चाहिए और ये 420 चाहिए। तो ये बड़ा कौन सा है, ये 4052 बड़ा है, 420 से उसको डिवाइड कर दो इनटू 9 प्लस रिमाइंडर बचता है 272, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आया इसलिए हम ये नंबर और ये नंबर लेते हैं। तो बड़ा कौन सा है, 420, तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1, रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 148। ये आप मल्टीप्लाई करोगे मैं डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि मैंने ये सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली आपसे ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर हमें ये और ये लेना है, तो बड़ा कौन सा है, 272 इज इक्वल टू 148, ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, है ना, 248 इनटू 1 प्लस 124। इस तरह करते 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 हमें फाइनली ये मिलता है 424 इज इक्वल टू 4 इनटू 6 प्लस 0। तो जो 4 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस इन दो नंबर्स का, 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में हम इसके आगे भी पढ़ेंगे इसी रियल नंबर्स में ही, ठीक है। आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे भी, और हमारी बुक भी ज़रूर पढ़िए, एवरीबडी इज़ जीनियस।
यू वेरी मच। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।